तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पैनासोनिक 110 3 स्टार एयर कंडीशनर। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पैनासोनिक का 110 3 स्टार का एयर कंडीशनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं दोस्तों पैनासोनिक 110 3 स्टार के सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और टेक्नोलॉजी एंड फीचर सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दी गई जानकारी अगर जरा सी भी अच्छी लगती है दोस्तों को वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूँ। और दोस्तों, मैं वीडियो बनाने के लिए कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं लेता हूँ। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैनासोनिक 110 3 स्टार का एयर कंडीशनर अमेजोन में 32,990 में आ रहा है। तो दोस्तों, प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पैनासोनिक के इस एयर कंडीशनर के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, पैनासोनिक के इस 110 3 स्टार एयर कंडीशनर की ISAR रेटिंग है 3.95 की। दोस्तों, पैनासोनिक का ये 110 एयर कंडीशनर पूरे साल भर में 676.64 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे साल भर में, यानी ये इस एयर कंडीशनर का एनुअल पावर कंजप्शन है। दोस्तों, इस एयर कंडीशनर की अगर मैं कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो पैनासोनिक के इस 110 3 स्टार एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी है 3450। दोस्तों, पैनासोनिक का 110 3 स्टार एयर कंडीशनर 120 स्क्वायर फीट एरिया इजीली कवर कर लेता है। दोस्तों, जितने भी बेस्ट एयर कंडीशनर है सभी के मॉडल नंबर और उनके बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाइए चेक कीजिए। अगर आपको प्राइस चेक करना है तो प्राइस चेक कर सकते हो या फिर मेरी दी गई लिंक से आप प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में, यानी पैनासोनिक के इस 110 3 स्टार एयर कंडीशनर में आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी मिल रही है। दोस्तों, ये पैनासोनिक का 110 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर ट्विन रोटरी कंप्रेसर के साथ में आ रहा है, यानी दोस्तों ये कंप्रेसर एक हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर है। इसका एडवांटेज ये होता है दोस्तों, आपको फास्टर कूलिंग मिलती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है और एसी के अंदर वाइब्रेशन नॉइस लेवल काफ़ी कम होता है, यानी ये एक हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर है। और दोस्तों, पैनासोनिक के इस रोटरी कंप्रेसर पर आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। दोस्तों, पैनासोनिक का ये एयर कंडीशनर एक स्मार्ट एयर कंडीशनर है, यानी इसमें आपको वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पैनासोनिक के इस 110 एयर कंडीशनर को आप अपनी वॉइस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक अमेजोन एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट डिवाइस होना चाहिए। तो आप अपनी वॉइस के थ्रू ही एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हो या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हो। पैनासोनिक का एक ऐप आता है मीरा AI, आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन में डाउनलोड करना है। इस ऐप के जरिए आप अपने फ़ोन को ऐसा रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो, एसी ऑन करना ऑफ करना या आपका एयर कंडीशनर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी मॉनिटर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ इस ऐप की मदद से अगर आपको कोई इसको सर्विस रजिस्टर करनी है, कॉल रजिस्टर करना है या एसी के अंदर पैनासोनिक एसी के अंदर कुछ भी खराबी आती है तो आप डायग्नोज भी कर सकते हो इस पैनासोनिक के इस ऐप की मदद से। दोस्तों, पैनासोनिक 110 3 स्टार का ये एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है, क्योंकि दोस्तों पैनासोनिक के इस 110 3 स्टार एयर कंडीशनर में आपको PM 0.1 माइक्रोन फिल्टर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये फिल्टर इतना बारीक है, मैं हमारे बाल से भी 10 गुना बारीक फिल्टर है। आपके रूम की एयर के अंदर जितने भी इनविजिबल डस्ट पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इवन पैक्स के बाल है, सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है और रूम की एयर को प्यूरीफाई करता है, जिससे आपको एक क्लीन एयर मिलती है। यानी ये एयर कंडीशनर दोस्तों कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरीफिकेशन का भी काम कर रहा है, जिसकी मदद से आपको दोस्तों एक क्लीन एयर मिलती है। दोस्तों, पैनासोनिक 110 3 स्टार का ये एयर कंडीशनर एक कन्वर्टेबल एसी है। इसमें आपको 7 अलग अलग कन्वर्टेबल मोड देखने को मिल जाते हैं, यानी आप अपने यूजेस एंड कंफर्ट के हिसाब से पैनासोनिक के इस एसी को 7 अलग अलग मोड में कन्वर्ट करके चला सकते हो। जैसे कि आप टनेज को डिक्रीज करके चला सकते हो, अगर आपको कूलिंग की कम रिक्वायरमेंट है, टनेज डिक्रीज करोगे तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज़्यादा होती है। अगर आपको टनेज इंक्रीज करके चलाना है तो आप टनेज को इंक्रीज करके चला सकते हो। अगर आपके घर में लोग ज़्यादा है, फंक्शन है, तो ऐसे में टनेज को इंक्रीज भी कर सकते हो। या फिर दोस्तों, पैनासोनिक का ये एयर कंडीशनर ऑटो कन्वर्टेबल मोड के साथ में आता है। जैसे ही आप पैनासोनिक के इस एसी को ऑटो कन्वर्टेबल मोड में डालते हो तो पैनासोनिक का एसी रूम का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने टनेज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, जिससे आपको एक कम्फर्ट कूलिंग मिलती है और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने का काम करता है। दोस्तों, पैनासोनिक के इस एयर कंडीशनर में आपको मेंटेनेंस से बचने के लिए कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि 100% कॉपर, यानी इस एयर कंडीशनर के इंडोर और आउटडोर यूनिट में जो कॉइल लगी है 100% कॉपर वाली है, ताकि एसी में कभी कोई लीकेजिंग आ जाती है तो आप इसे इजीली रिपेयर करा सकते हो। दूसरा, एसी के अंदर कोई भी खराबी ना आए, ना ही कॉइल वगैरह में कोई खराबी आए सडन पैदा हो, उसके लिए आपको कुछ एंटी क्रोजन कोटिंग देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है शील्ड ब्लू। तो शील्ड ब्लू एक ऐसी एंटी क्रोजन कोटिंग है जिससे कि कंडेंसर कॉइल पे कोई भी सडन पैदा नहीं होती है और कंडेंसर कॉइल खराब नहीं होती है।
नॉर्मली जब कंडेंसर कोयल खराब हो जाती है तो एसी हीट एक्सचेंज प्रॉपर नहीं कर पाता है और ज़्यादा सडन पैदा होने से एसी के जो कॉपर्स कॉइल होते हैं उसमें भी लीकेजिंग का इशू आता है और जिसमें आपका मेंटेनेंस क्रिएट होता है। ऐसे में दोस्तों पैनासोनिक के इस एयर कंडीशनर में आपको सील्ड ब्लू की एंटी क्रोजन कोटिंग मिल जाती है जो कि इनडोर और आउटडोर दोनों में की गई है जिसकी मदद से दोस्तों ऐसे में पैनासोनिक के इस एयर कंडीशनर में कोई भी खराबी नहीं आएगी। सील्ड ब्लू की एंटी क्रोजन कोटिंग पैनासोनिक एसी को मेंटेनेंस से बचाती है। दोस्तों अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन की दिक्कत भी होती है तो ऐसे में आपको पैनासोनिक के इस एयर कंडीशनर में अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं क्योंकि पैनासोनिक का ये एयर कंडीशनर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में आता है। दोस्तों पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 145 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक काम कर रहे हैं। अगर ऐसे में अगर आपके यहाँ बिजली के झटके भी आ रहे हैं या पावर फ्लक्चुएशन हो रही है तो ऐसे में दोस्तों पैनासोनिक का ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन पैनासोनिक एयर कंडीशनर को सेफ रखेगा ताकि पैनासोनिक के किसी भी पार्ट्स पे कोई हार्म ना हो और ना ही एसी में कोई खराबी आए। फिर भी मैं आपको सेफर साइड रिकमेंड करूंगा कि आप अलग से एक स्टेबलाइजर लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों पैनासोनिक के इस 110 एयर कंडीशनर में आपको क्लीनिंग के लिए क्लीन का फंक्शन देखने को मिल जाता है यानी पैनासोनिक एसी के रिमोट में क्लीन वाला बटन आता है। जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हो पैनासोनिक एयर कंडीशनर का जो इवेपोरेटर कॉइल होता है इंडोर वाला वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है जिससे आपको क्लीन एयर मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं हम वारंटी के बारे में। तो दोस्तों पैनासोनिक के इस 110 3 स्टार एयर कंडीशनर में आपको कॉम्प्रेसर ही मिलती है 10 साल की वारंटी यानी कॉम्प्रेसर ही मिलती है 10 साल की वारंटी। पैनासोनिक के एयर कंडीशनर में जो पीसीबी आती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उससे मिलती है आपको 5 साल की वारंटी और एयर कंडीशनर में कुछ भी खराबी आती है उसके लिए आपको मिलती है कंप्लीट 1 ईयर की वारंटी यानी टेक्निकल वारंटी आपको 1 ईयर मिल रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पैनासोनिक एसी के कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं प्रोस में बात की जाए तो दोस्तों पैनासोनिक एसी की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरा दोस्तों इस एसी में मेंटेनेंस से बचने के लिए आपको एंटी क्रोजन कोटिंग मिल जाती है और 100% कॉपर मिल जाता है ताकि एसी में कोई खराबी ना आए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। तीसरा दोस्तों एक ऑटो कन्वर्टेबल एसी है जिसकी मदद से आपको एक कंफर्ट कूलिंग मिलेगी और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी और आफ्टर सेल सर्विसिंग पैनासोनिक की भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं कॉन्स की बात करूं दोस्तों मुझे इस एयर कंडीशनर में कोई भी कॉन्स देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल दोस्तों पैनासोनिक की प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आफ्टर सेल सर्विसिंग भी इजीली अवेलेबल है। दोस्तों जितने भी बेस्ट एयर कंडीशनर है सभी के मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो या फिर प्राइस भी चेक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वायरी है डाउट है कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।